नमस्कार, डीएनएच न्यूज लाइन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दादरा नगर हवेली पुलिस द्वारा ई मालखाना सिस्टम को किया गया लागू। बीते दिन शुक्रवार को सिलवासा पुलिस मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद मीना, एसडीपीओ सिद्धार्थ जैन और अन्य पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में दादरा नगर हवेली के दोनों पुलिस थाना सिलवासा और खानवेल में ई मालखाना सिस्टम को लागू कर दिया गया है। इस सिस्टम के अनुसार जब्त किए गए सभी बरामद माल की जानकारी का डाटा तैयार होगा और एक QR कोड से पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान दाना SP ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने डीएनएच न्यूज़ लाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें ताकि दादरा नगर हवेली दमन दीव एवं आसपास के सभी खबरों से हमने आपको सबसे पहले रूबरू करवाता रहूं। धन्यवाद। कोई अगर NDPS सब्सटेंस होता है तो वो अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी में है तो हमारे पास में वैसे सफिशियंट स्पेसेस हैं, अदरवाइज तो इसी मालखाने में हम उसको अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा अभी तक प्रोसीजर्स देख रहे हैं कोई बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं, सफिशियंट स्पेस हम लोगों के पास है। और साइबर या अदर केमिकल सब्सटेंसेस की बात करें तो टाइम टाइम पर हमारा स्टाफ जो है वो ट्रेनिंग करता रहता है, हम लोगों की कैपेबिलिटी है। और इसके अलावा सेंट्रल लेवल पर भी इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं, हमें जरूरत पड़ती है तो हम सेंट्रल लेवल से भी जो है हेल्प दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की पूरी तैयारी है और हम लोग जो है वो कैपेबल हैं इन सब चीज़ों को स्टोर करने में और उसका फर्दर आगे कोर्ट में यूज करने में और फाइनली उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, उसके सेट प्रोसीजर्स हैं वो हम लोग फॉलो करते हैं। किसी भी मालखाने में मतलब आइडेंटिफाई कर पाते हैं, कभी कभी होता है कि मतलब घूम जाते हैं।